राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। बेंगलुरु में पानी की किल्लत अभी ठीक नहीं हो पाई कि देश के दूसरे आईटी हब चेन्नई का पानी सूखने लगा। यहां की सबसे बड़ी और 43% आबादी की प्यास बुझाने वाली वीरानम लेक सूख चुकी है, कुछ पोखरों में ही पानी बचा है। बीते साल जुलाई में ऐसे हालत बने थे, इस बार 3 महीने पहले स्थिति बिगड़ गई। 28 फरवरी को वीरानम लेक से सप्लाई बंद है। चेन्नई मेट्रोपोलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड इसे डेड घोषित कर चुका है। बोर्ड के मुताबिक पिछले साल इसी समय लेक में 773.95 मिलियन क्यूबिक फीट पानी था। इसकी क्षमता 1465 MCFT की है। दूसरे जल भंडारण स्रोतों की हालत भी दयनीय है, इसलिए सप्लाई आधी कर दी है। पानी एक दिन छोड़कर मिल रहा है। बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक चेन्नई में अक्टूबर के आखिरी में मानसून बारिश होती है, तब तक हमें भूजल से काम चलाना होगा, हालांकि वो भी तेजी से घट रहा है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।